कौन लोग इस नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अभी जो सबसे सस्ता PCR टेस्ट है वो सिया का है। जो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कनाडा का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोग ओवरस्टे हो चुके हैं और आप पर फ़ाइन आ चुका है, तो अब आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं कि आप कितने दिन ओवरस्टे हैं और आप पर कितना फ़ाइन आया है और आप पर एब्सकॉन्डिंग लगी है या नहीं लगी? तो इसकी मैं डिटेल जो है डाल रही हूँ आप लोग चेक करने के लिए। जब आप सबसे पहले गूगल पर आएंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे ICS स्मार्ट सर्विसेज, ये देखेंगे ये आगे ICS स्मार्ट सर्विस, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जी पब्लिक सर्विसेज पर, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट सर्विस, आप इस पर क्लिक करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे आई एम नॉट रोबोट, और इसके बाद जो है आप क्लिक करेंगे सर्च पर। उसके बाद ये दोबारा जो है इस तरह ओपन हो जाएगा, ये देखें। यहाँ पर फिर आप पूरी डिटेल डाल देंगे, ये एप्लीकेंट नेम और ये सब चीज़ें। ये देखें मैंने डिटेल तो इनकी सारी फिल कर दी हैं जो कि मैंने आपसे हर्ड की हैं। और ये देखें नंबर ऑफ़ ओवर स्टे डेज, ये कितने दिन ओवर स्टे में, ये देखें 47 डेज ओवर स्टे हैं ये, और इनका फ़ाइन है जी 4700 फ़ाइन है। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट। जब आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, पर्सन कैन नॉट पे द फाइन। इसका मतलब है इन पर एब्सकॉन्डिंग लगी हुई है। अगर तो फाइन पे हो जाता है तो इसका मतलब एब्सकॉन्डिंग नहीं है, अगर फाइन पे नहीं होता तो ऐसे आ जाएगा पर्सन कैन नॉट पे द फाइन। इसका मतलब है इन पर एब्सकॉन्डिंग लगी हुई है।